नमस्कार मित्रों, केपी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासों में एक बार आपका पुनः स्वागत अभिनंदन। आज हम बीए प्रथम वर्ष के अंतर्गत कहानी उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा लिखी गई ये एक प्रसिद्ध कहानी है। गुलेरी जी का जन्म सन 1883 ईस्वी में जयपुर शहर में हुआ था। सन 1883 ईस्वी में जयपुर में इनका जन्म हुआ। इन्होंने अपने जीवन काल में कुल तीन कहानियां लिखी है। एक है उसने कहा था, ये कहानी सन 1915 ईस्वी में लिखी गई। प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित ये बड़ी मार्मिक कहानी है। प्रथम विश्व युद्ध, सन 1914 से 18, तो ये प्रथम विश्व युद्ध के पृष्ठभूमि पर आधारित। मार्मिक कहानी है। फिर उसने कहा था कि बच्चा दूसरी कहानी है इनकी, सुखमय जीवन। ये सन 1911 ईस्वी में लिखी गई। फिर तीसरी इनकी कहानी है बुद्धू का काटा, 1914 ईस्वी में इसे लिखा गया। इनकी प्रतिभा का कारण साहित्यिक रचनाएं हैं। इसके कहानियों के अलावा इन्होंने कुछ निबंध भी लिखे, जिसमें मोरेसी माही कुठाव कछुआ धर्म और गोबर गणेश इनके द्वारा लिखी गई जो निबंध है कछुआ धर्म, मोरेसी माही कुठाव और गोबर गणेश, ये इनके निबंध है। उसके अलावा ये एक समालोचक पत्रिका का संपादन भी किया, पत्रिका समालोचक, और नागरी प्रसारिणी सभा के ये काशी के ये संपादक मंडल में भी रहे। नागरी प्रसारिणी सभा के मंडल में भी रहे। तो इनका संबंध नागरी प्रसारिणी सभा काशी के संपादक मंडल में भी रहे।
काशी के संपादक मंडल में भी रहे। उसने कहा था कहानी प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित है। ये कहानी एक अधूरे प्रेम व त्याग की कहानी है। अधूरे प्रेम व त्याग की कहानी। कहानी का प्रारंभ एक अमृतसर के बाजार के दृश्य से होता है और अंत में फ्रांस बेल्जियम युद्ध भूमि पर जाकर समाप्त होता है। तो ये अधूरे प्रेम व त्याग की कहानी है। इस कहानी के प्रमुख पात्रों में लना सिंह के बाद सूबेदार हजारा सिंह के बाद सूबेदार का पुत्र है एक बोधा सिंह, सूबेदारनी जो हजारा सिंह की पत्नी है, सूबेदारनी हजारा सिंह की पत्नी है, लप्टन साहब अब्दुल्ला और साहब और कीरत सिंह इस कहानी के प्रमुख पात्र है। प्रमुख पात्रों में लहना सिंह, सूबेदार हजारा सिंह, सूबेदारनी बोधा सिंह जो सूबेदारनी का पुत्र है, लप्टन साहब अब्दुल्ला अन्य पात्रों में साहब जिसका नाम नहीं दे रखा है इसमें सिर्फ साहब है, फिर डाक बाबू पोलू राम और कीरत सिंह ये इस कहानी के प्रमुख पात्र है। लना सिंह इस कहानी का नायक है। अमृतसर की बाजार की घटना से प्रारंभ होती है और फ्रांस के बेल्जियम युद्ध भूमि तक का इसमें चित्रण है। अधूरे प्रेम व एक त्याग की कहानी है। तो चलिए कहानी पढ़ते हैं। बड़े बड़े शहरों के इक्के गाड़ी वालों की जबान के कोड़ों से जिनकी पिट छील गई है। अब बड़े बड़े शहरों में अमृतसर की घटना है, अमृतसर के बाजार का चित्रण है। तो बड़े बड़े शहर की इक्के गाड़ी वालों की जबान के कोड़ों से जिनकी पिट छील जाती है और कान पक गए हैं, उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के बम्बू काट वालों की बोली का मरम लगावे। बम्बू काट कह सकते हो आप एक गाड़ी वाला। बम्बू काट
तो उसने हमारी उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के बंबू काट वालों की बोली का मरम लगावे, जब बड़े बड़े शहरों की चौड़ी सड़कों पर घोड़े की पीठ चाबुक से दुनते हैं, इक्का गाड़ी वाले उस चाबुक से घोड़े की पीठ पर चाबुक चलाते हैं, कभी राह चलते पैदलों की आंखों के न होने पर तरस खाते हैं, कभी उनके पैरों की अंगुलियों के पोर को चित कर अपने ही कोई सताया हुआ बताते हैं, और संसार भर की ग्लानी निराशा और शोभ के अवतार बने नाक की सीध में चले जाते हैं, एक ही सीध में चलते हैं इक्का गाड़ी वाले। तब अमृतसर में उनकी बिरादरी वाले तंग चक्करदार गलियों में हर एक लड़ी वाले के लिए ठहर कर सब्र का समुद्र उमड़ा कर बचो खालसा जी, हटो भाई जी, ठहरना भाई जी, आने दो लाला जी, हटो बासा कहते हुए सपे फेंटो खचरों और बत्तखों गन्ने और खोमचे और बारे वालों के जंगल में से रहा लेते हैं खेते हैं। क्या मजाल है कि जी और साहब बिना सुने ही किसी को हटना पड़े, यानी वो जी या साहब कहे बिना उस रोड से है एक ही नाक की सीध में चलते हैं, जब तक उन्हें इस तरह से उन्हें हटाने का प्रयास नहीं करते तब से वह रोड से हटने का नाम नहीं लेते हैं। यह बात नहीं कि उनकी जिभ चलती ही नहीं, चलती है पर मीठी छुरी की तरह महीन मार करती है। यदि कोई बुढ़िया बार बार चितोनी देने पर भी लिख से नहीं हटती, लिख से अपनी लाइन से नहीं हटती, रोड पर चलती है कोई बुढ़िया बार बार चितोनी देने पर भी नहीं हटती, चितोनी चेतावनी, तो उनकी वचनावली के ये नमूने हैं। अब तो बार बार उन्हें चेतावनी देने पर भी अब वह अपनी लिख से नहीं हटती है, तो फिर उन्हें इस तरह से उनकी वचनावली के ये नमूने इक्का गाड़ी वालों के, हट जा जीने जोगिए, हट जा कर्मा वालिए, हट जा पुता प्यारिए, पुत्र की प्यारी, बच जा लंबी उम्रा वाली, यानी अभी तो तेरी लंबी उम्र है, यानी समष्टि में इनके अर्थ है कि तू जीने योग्य है, तू भाग्यशाली है, पुत्रों को प्यारी है, लंबी उम्र तेरे सामने है, तू क्यों मेरे पहियों के नीचे आना चाहती है, बच जहाँ। ऐसे बंबू काट वालों के बीच में होकर एक लड़का और एक लड़की चौक की एक दुकान पर आ मिले। ऐसे ही बंबू काट वालों के बीच में, उन इक्का गाड़ी वालों के बीच में से होकर एक लड़का और एक लड़की है जो एक चौक की दुकान पर आकर मिल गए। यहाँ पे दुकान है जो अरबी शब्द है। उसके बालों और उसके ढीले सूतने से जान पड़ता है, उसके बालों और ढीले सूतने से, सूतने यानी पायजामा, तो ढीले सूतने से जान पड़ता था कि दोनों सिख हैं। अब वह जैसे चौक की दुकान पर पहुँचे बंबू काट वालों के बीच में से होकर, तो उनके पहनावे से और उनके केस बालों को देखकर ये पता चला कि ये दोनों ही कौन हैं, सिख हैं। वह अपने मामा के केस धोने के लिए दही लेने आया था। वह कौन? लड़का अपने मामा के केस धोने के लिए, केस बाल धोने के लिए क्या लेने आया था? उस चौकी की दुकान पर दही लेने आया था। कौन? वह लड़का। और यह रसोई के लिए बढ़िया, और जो वह लड़की है जो रसोई के लिए बढ़िया लेने आई थी, यहाँ पे लड़की कौन है? वह वही सूबेदारनी है। और लड़का
लना सिंह दुकानदार एक परदेसी से गूत रहा था जो शेर भर गीले पापड़ों की गड्डी को गिने बिना हटता न था। तेरे घर कहाँ है, लड़की ने पूछा। भाई तेरे घर कहाँ है, तो उसने कहा मगरी में। लड़की को कहा तेरे घर कहाँ है, तो लड़की का घर कहाँ है, मगरी में। एक एरी का नाम है और तेरे, तो लड़की ने कहा मांझी में। यहाँ कहाँ रहती है, लड़की ने कहा भाई मेरा घर मांझे में है और लड़की मगरी में। यहाँ कहाँ रहती है, तो लड़की कहती है अतर सिंह की बैठक में, वे मेरे मामा होते हैं। अतर सिंह क्या, अतर सिंह है जो मेरे मामा जी है। मैं भी मामा के यहाँ आया हूँ, उनका घर गुरु बाजार में है, लड़की ने कहा। इतने में दुकानदार निपटा और इनका सौदा देने लगा। सौदा लेकर दोनों साथ साथ चले। कुछ दूर जाकर लड़के ने मुस्कुराकर पूछा तेरी कुड़माई हो गई। अब लड़के ने कुछ ही दूर जाकर मुस्कुराते हुए पूछा कि तेरी कुड़माई हो गई, कुड़माई सगाई। इस पर लड़की कुछ आंख चढ़ाकर दत्त कहकर दौड़ गई और लड़का मुंह देखता रह गया। जैसे लड़की ने पूछा तेरी कुड़मई हो गई, ये यहाँ पे पंजाबी भाषा का प्रयोग हो रहा है। तो लड़की ने दत्त कहकर वहाँ से चली गई और लड़का है देखता ही रह गया। दूसरे तीसरे दिन सब्जी वाले के यहाँ दूध वाले के यहाँ अकस्मात दोनों मिल जाते। महीना भर यही हाल रहा। दो तीन बार लड़के ने फिर पूछा तेरी कुड़माई हो गई और उत्तर में वही दत्त मिला। एक दिन जब फिर लड़के ने वैसे ही हंसी में छिड़ाने के लिए पूछा तो लड़की लड़के की संभावना के विरुद्ध बोली हाँ हो गई। एक दिन वैसे ही लड़के ने पूछा तो उस दिन क्या हुआ, लड़की है जो लड़के की संभावना के विरुद्ध बोली कि हाँ हो गई। तो लड़के ने कहा कब, कल। देखते नहीं ये रेशम से कड़ा हुआ सालों, देखते नहीं ये रेशम से कड़ा हुआ सालों। सालों आप कहेंगे ओढ़नी को। लड़की भाग गई, लड़के ने घर की राह ली। घर की तरफ लड़का भी चला गया। रास्ते में एक लड़के को मौरी में ढकेल दिया। गुस्सा आया क्यों, क्योंकि उसकी कुड़मई हो गई थी। तो रास्ते में जो भी आ रहा है सामने उसे नुकसान पहुंचाते हुए चल रहा है, तो लड़के को मौरी में ढकेल दिया। एक साबड़ी वाले की दिन भर की कमाई खोई। एक कुत्ते के पत्थर मारा और एक गोभी वाले के ठेले में दूध उड़ेल दिया। सामने नहाकर आती हुई किसी वैष्णवी से टकराकर अंधे की उपाधि पाई, तब कई घर पहुंचा। अब सामने से आती हुई, नहाकर आती हुई एक महिला वैष्णवी से टकराया, तो उस लड़के ने अंधे की उपाधि पाई, तब जाकर वह घर पहुंचा। राम राम यह भी कोई लड़ाई है, कहानी का दूसरा दृश्य। राम राम यह भी कोई लड़ाई है, दिन रात खंदकों में बैठे हड्डियां अकड़ गई है। खंदक आप कहेंगे खाई को। लुधियाने से 10 गुना जाड़ा और मी और बर्फ ऊपर से। लुधियाने से 10 गुना जाड़ा, जाड़ा सर्दी। तो लुधियाना से यहाँ पर खंदकों में 10 गुना सर्दी ज़्यादा है। यहाँ पे लाना है एक फ्रांस के बेल्जियम की ओर से युद्धभूमि में, ये जर्मनी के 77वीं राइफल जमादार का एक सिख सैनिक था। कौन, लना सिंह। तो ये कह रहा है कि लुधियाने से यहाँ पर 10 गुना सर्दी ज़्यादा है, जाड़ा। पिंडलियुक्त
तक कीचड़ में धसे हुए हैं, जमीन कहीं दिखती नहीं। घंटे दो घंटे में कान के पर्दे फाड़ने वाले धमाके के साथ सारी खंदक हिल जाती है, जगह जगह विस्फोट हो रहे हैं। तो घंटे दो घंटे में धमाके की आवाज़ें आती है और खंदक है जो हिल उठती है और सौ सौ गज धरती उछल पड़ती है। इस गेबी गोले से बचे तो कोई लड़े, इस गेबी गोले से बचे तो कोई लड़े, इन बदमाशों से। गेबी बदमाश। नगरकोट का जल जला सुना था, नगरकोट का जल जला, खंदके हिल रही थी, विस्फोट हो रहे थे, तो नगरकोट का जल जला सुना, जल जला भूकंप। यहाँ दिन में 25 जलजले होते हैं, धमाके होते रहते हैं, भूकंप आते हैं, जो कई खंदक से बारसा कोनी निकल गई तो चटक से गोली लगती है। न मालूम बेईमान मिट्टी में लेटे हुए हैं या घास की पत्तियों में छिपे रहते हैं। अब खंदक से जरा से ही कोनी अगर बाहर निकल जाए खाई से तो गोली सीधी चटाक से चलती है। न जाने ये बदमाश कहाँ छिपे हुए बैठे हैं, किसी घास में या किसी पत्तियों में छिपे हुए हैं। लना सिंह और तीन दिन है। चार तो खंदक में बिता दिए हैं, परसों रिलीफ आ जाएगी और फिर 7 दिन की छुट्टी। अपने हाथों झटका करेंगे और पेट भरकर खाकर सो रहेंगे। लना सिंह उसके बचा, उन्हें 7 दिन की छुट्टी मिल जाएगी और उसके बाद वे अपने हाथों से झटका करेंगे और पेट भर के खा के सो जाएंगे। उसी फिरंगी मैम के बाग में, फिरंगी अंग्रेजों के लिए, मकमल का सा हरा घास है, फल और दूध की वर्षा कर देती है। लाख कहते हैं दाम नहीं लेती, कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। कौन? फिरंगी कहती है लना सिंह को कि तुम तो राजा हो और मेरे मुल्क को बचाने के लिए आए हो। 4 दिन तक पलक नहीं झपी, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। मुझे तो संगीन चढ़ाकर मार्च का हुक्म मिल जाए, संगीन यानी संगीन आप कहेंगे अंतिम युद्ध, तो मुझे तो संगीन चढ़ाकर मार्च का हुक्म मिल जाए, फिर 7 जर्मनों को अकेला मारकर न लौटूं तो मुझे दरबार साहब की दिल्ली पर मत्ता टेकना नसीब न हो। अकेला 7 जर्मन सैनिकों को अगर मैं मार कर न लौटूं तो मुझे दरबार साहब की दहलीज पर मत्ता टेकने का भी नसीब न मिले। लना सिंह कह रहा है पाजी कई के कलों के घोड़े संगीन देखते ही मुंह फाड़ देते हैं और पैर पकड़ने लगते हैं। यो अंधेरे में 30-30 मन का गोला फेंकते हैं। उस दिन धावा किया था, 4 मील तक एक जर्मन नहीं छोड़ा था, पीछे जनरल ने हट जाने का कमान दिया, नहीं तो सारे जर्मन सैनिक मारे जाते, नहीं तो सीधे बर्लिन पहुंच जाते, नहीं तो सीधे बर्लिन पहुंच जाते। सूबेदार हजारा सिंह उस लड़की का, कौन है? सूबेदारनी का पति है, जो अमृतसर में इक्का गाड़ी वालों के बीच में एक चौकी की दुकान पर जो लड़की मिली थी वही लड़की का पति है हजारा सिंह। सूबेदार हजारा सिंह ने मुस्कुरा कर कहा लड़ाई के मामले जमादार या नायक के चलाए नहीं चलते, बड़े अफसर दूर की सोचते हैं, 300 मील का सामना है, एक तरफ बढ़ गई तो क्या होगा। सूबेदार जी सच है, लना सिंह बोला, पर क्या करे, हड्डियों में तो जाड़ा धस गया, सूर्य निकलता नहीं और खाई में दोनों तरफ के चंबके की बावलियों के से सोते झर रहे हैं। एक दावा हो जाए तो भाई चारों तरफ जाड़ा ही जाड़ा है, तो एक धमाका हो जाए तो गर्मी
हो जाए। सूबेदार जी, सच है लना। उद्यमी, उठ सिगड़ी में कोले डाल। या उद्यमी किसको, किसके लिए आया है? शरारती के लिए। ये वजीरा को कह रहा है लना सिंह कि उद्यमी शरारती। उठ सिगड़ी में कोले डाल, वजीरा तुम चार जने बाल्टियां लेकर खाई का पानी बार फेंको। महासिंह शाम हो गई है, महासिंह शाम हो गई है, खाई के दरवाजे का पहरा बदल दे। ये लना सिंह कह रहा है। यह कहते हुए सूबेदार सारी खंदक में चक्कर लगाने लगे। वजीरा सिंह पलटन का विदूषक था। वजीरा सिंह है पलटन का विशुदक था, विशुदक मस्खरा। बाल्टी में गदला पानी भरकर खाई के बार फेंकता हुआ बोला, गंदी पानी को बार फेंकते हुए बोला, मैं पादा बन गया हूँ। कौन कह रहा है? वजीरा सिंह। मैं पादा बन गया हूँ, यहाँ पे पादा पुरोहित के लिए है। करो जर्मनी के बादशाह का तर्पण। अब करो जर्मनी के बादशाह का तर्पण। तर्पण कहेंगे आप कर्मकांड जिसमें पितरों को जल दिया जाता है, तर्पण। कर्मकांड जिसमें पितरों को जल दिया जाता है, लना सिंह ने दूसरी बाल्टी भरकर उसके हाथ में देकर कहा, अपनी बाड़ी के खरबूजों में पानी दो, ऐसा खाद का पानी पंजाब भर में नहीं मिलेगा। खंदक का पानी को कहा कि एक बाड़ी में जाकर खरबूजे की बाड़ी में पिलाओ, जो ऐसा पानी है अपने पंजाब भर में नहीं मिलेगा। हाँ, देश क्या है, स्वर्ग है भाई, अपना देश तो स्वर्ग है। मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से 10 गुना जमीन यहाँ मांग लूँगा और फलों के बूटे लगाऊँगा। फलों के बूटे लगाऊँगा, सरकार से इस लड़ाई के बाद 10 बीघा जो जमीन मांग लेगा। कौन कह रहा है यहाँ पे? लना सिंह। लाड़ी होरा को भी यहाँ बुला लूँगे, लाड़ी पत्नी के लिए। लाड़ी होरा को भी यहाँ पे, होरा किसको कहा है? सूबेदारनी को। होरा सूबेदारनी, तो लाड़ी होरा को भी या बुला लोगे, या वही दूध पिलाने वाली फरंगी मैम चुप करे, यहाँ वालों को शर्म नहीं है। देश की चाल है, आज तक मैं उसे समझा न सका कि सिख तंबाकू नहीं पीते। भाई देश की ये देश की ये रीत है, चाल है कि आज तक मैं उसे समझा न सका कि सिख तंबाकू नहीं पीते। वह सिगरेट देने में हट करती है, होठों में लगाना चाहती है और मैं पीछे हटता हूँ तो समझती है कि राजा बुरा मान गया, अब मेरे मुल्क के लिए लड़ेगा नहीं। कौन? फिरंगी के लिए आ रहा है, क्योंकि सिख है न तो तंबाकू नहीं पीते और न ही वे सिगरेट, लेकिन वह हट करती है। अच्छा, अब बोधा सिंह कैसा है? बोधा सिंह हजारा सिंह का बेटा।
अच्छा है जैसे मैं जानता ही न हो। रात भर तुम अपने कंबल उसे उड़ाते हो और आप सिगड़ी के सारे गुजर करते हो। रात दिन अपना कंबल उड़ाता है कौन? लहना सिंह। और वह सिगड़ी के सारे गुजारता है रात। उसके पैरे पर आप पहरा दे आते हो, अपने सूखे लकड़ी के तख्तों पर उसे सुलाते हो। आप कीचड़ में पड़े रहते हो, कहीं तुम न मांदे पड़ जाना। मांदे यानी बीमार। जाड़ा क्या है? मौत है। और निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते। निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते, यानी कि खेत की वर्गाकार जमीन। मुरब्बे किसे कहेंगे? एक खेत की वर्गाकार जमीन। खेत की वर्गाकार जमीन जो निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करती। मेरा डर मत करो, मैं तो बुलेल की खड़ के किनारे मरूंगा। भाई कीरत सिंह की गोदी पर मेरा सिर होगा। अब भाई कीरत सिंह कौन? लहना सिंह कह रहा है। लहना सिंह का भाई बताया है कीरत सिंह। तो लहना सिंह कह रहा है कि भाई मेरी आप है, मेरा डर मत रखिए। किसको कह रहा है? लहना हजारा सिंह को। भाई कीरत सिंह की गोदी पर मेरा सिर होगा और मेरे हाथ के लगाए हुए आंगन के आम के पेड़ की साया होगी। यानी लहना सिंह की ये इच्छा है कि मरते समय मेरा जो सिर है भाई कीरत सिंह की गोद में हो और वही आंगन जिस आंगन में मैंने आम के पेड़ लगाए हैं उसी आम के पेड़ के साया में होगी मेरी मृत्यु। कहानी का तीसरा दर्श अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद मित्रों।